हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रेजी टेक में। दोस्तों, आज की अपनी वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सभी के रिकमेंडेशन पर लेकर आ गया हूँ 14 ऐसे न्यू और स्मार्ट किचन गैजेट्स जो आपने शायद ही पहले कभी देखे हो। और अगर आप इनमें से कोई गैजेट्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसकी परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस मजेदार सफर को। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट होती है सिलिकॉन कोलैप्सेबल स्ट्रेनर से। दोस्तों, अब मिलिए एक ऐसे कोलैप्सेबल कोलेंडर से जो कि काफी कंफर्ट और नॉन स्लिप ग्रिप का बना होता है। आप इसमें वेजिटेबल्स वगैरह को इजीली वॉश कर सकते हैं, और इसे ऊपर से प्रेस करने पर ये काफी कॉम्पैक्ट साइज में कन्वर्ट भी हो जाता है, और आप इसे इजीली कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। नंबर टू पर आता है ग्रेटर हैंडी एक्स। दोस्तों, पेश है बेहद ही शार्प और एडवांस हैंडी एक्स ग्रेटर। आपको बस इसके ब्लेड वाले सरफेस पर वेजिटेबल्स को ग्रेट करना है कुछ इस तरह से, और इसके नीचे बने पार्ट में सारी वेजिटेबल्स इकट्ठा होती रहेंगी। आप इसमें किसी भी टाइप के फ्रूट को भी इजिली ग्रेट कर सकते हैं, और अलग अलग डिलीशियस डिशेस का मजा घर पर ही ले सकते हैं। नंबर थ्री पर आता है ग्रिडल ग्रिल। दोस्तों, अब जो गैजेट आप देखने जा रहे हैं वो पूरे नेक्स्ट लेवल का है। ये एक तरह की ग्रिल मशीन होती है जिसमें आप सैंडविच, बर्गर जैसी कई सारी डिशेस आराम से बना सकते हैं। ये पूरी तरह से नॉनस्टिक होता है, जिस कारण से फूड इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता, और आप इसे इजीली वॉश भी कर सकते हैं। नंबर फोर पर आता है हैमिल्टन बीच। दोस्तों, ये कमाल का गैजेट एग लवर्स को काफी ज्यादा पसंद आएगा। ये स्मार्ट गैजेट आपके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। आपको बस एग्स को तोड़कर उनमें अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को फिल करना है, और फिर इस ट्रे के दोनों पोर्शन में फिल कर लेना है, और फिर इसका कवर लगाकर इसे ऑन कर देना है, और डिलीशियस एग पाउचेस रेडी। आप इसमें और भी कई सारी अलग अलग डिशेस बना सकते हैं। नंबर फाइव पर आता है माइक्रोवेव ग्रिल एंड सैंडविच मेकर। दोस्तों, स्पेशली सैंडविच लवर्स को तो ये गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको बस ब्रेड्स को फिल करके इस सैंडविच मेकर में रखना है, और फिर कुछ मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में रख देना है। गाइस, अगर आप चाहें तो इसे गैस पर भी पका सकते हैं। आप इसमें बर्गर, टोस्ट जैसे कई सारी चीजों का मजा ले सकते हैं। नंबर सिक्स पर आता है इलेक्ट्रिक बटर स्प्रेयर। दोस्तों, बटर तो हम सभी का फेवरेट है, और बहुत से डिशेस में यूज भी होता है, बट इसे स्प्रेड करना एक बेहद ही मुश्किल काम होता है। तो मिलिए इस बटर स्प्रेयर से। इसकी मदद से आप एक प्रेस के थ्रू बटर को स्प्रेड कर पाएंगे, बिल्कुल एक परफ्यूम की तरह, क्योंकि ये स्प्रेयर पहले बटर को मेल्ट करता है, फिर उसे स्प्रे के थ्रू आपकी डिशेस तक पहुंचाता है। नंबर सेवन पर आता है स्मूथी मेकर। दोस्तों, स्मूथीज और शेक्स लवर के लिए आ गया है वन शेफ का ये अल्ट्रा ब्लेंड। इसके रेजर शार्प ब्लेड्स किसी भी टाइप के फूड को एकदम परफेक्टली ग्राइंड कर देते हैं। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ भी होता है। तो गाइस, इस तरह का स्मार्ट एंड पावरफुल गैजेट आपको हेल्दी एंड फिट रखने में मेन रोल प्ले करता है। नंबर एट पर आता है टर्बो चॉपर। दोस्तों, अब मिलिए एक ऐसे यूनिक चॉपर से जो आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। ये चॉपर पूरी तरह से मैनुअल होता है, और इसकी ब्लेड्स भी कवर से ढकी रहती हैं। आपको बस ब्लेड को इसके कवर में अटैच करना है, और वेजिटेबल्स को इसमें फिल करके इसके हैंडल को कुछ इस तरह से पुल करना है, और अंदर आपकी वेजिटेबल्स एकदम परफेक्टली चॉप्ड हो जाएंगी। नंबर नाइन पर आता है हेल्दी बार प्रेस। दोस्तों, अब मिलिए एक ऐसे स्मार्ट कंटेनर से जिसमें आप अपने फेवरेट स्नैक्स और फूड को फिल करके एक के ऊपर एक रख कर क्लोज कर सकते हैं, और उसके बाद उसे कुछ टाइम के लिए फ्रीजर में रख देना है, और कुछ ही देर में आपके लिए फेवरेट और डिलीशियस फूड रेडी। नंबर टेन पर आता है बेकिंग फ्रेम्स। दोस्तों, अक्सर बर्थडे वगैरह में हम लोग केक्स बाहर से ही लाते हैं, क्योंकि घर पर हम परफेक्ट शेप एंड साइज वाला केक नहीं बना पाते। तो अब आपके लिए आ गए हैं ये एडजस्टेबल बेकिंग फ्रेम्स। ये आपको स्क्वायर और राउंड दोनों शेप्स में मिल जाएंगे, और आप इनके साइज को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इनकी मदद से आप मार्केट जैसे केक अपने घर पर ही बना पाएंगे।
नंबर 11 पर आता है पोटैटो राइसर। दोस्तों अब आपके बॉइल्ड वेजिटेबल्स को मैश करने में लगने वाला टाइम और मेहनत दोनों को बचाने के लिए आ गया है ये पोटैटो मैशर। आपको बस सिंपली पोटैटोस को इसमें फिल करना है और फिर कुछ इस तरह से इसे प्रेस करना है और पोटैटोस परफेक्टली मैश्ड होकर नीचे रखे बाउल में आ जाएगा। आप इसकी मदद से किसी भी टाइप की बॉइल्ड वेजिटेबल को मैश्ड कर पाएंगे। नंबर 12 पर आता है थर्मल बैग। दोस्तों अब मिलिए इस थर्मल बैग से, जिसे स्पेशली आपकी फेवरेट ड्रिंक्स और वाइन्स वगैरह की बॉटल्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। आपको बस इसमें बॉटल को रख कर इसे क्लोज कर लेना है और आप इसे अपने साथ कैरी करके कहीं पर भी चल सकते हैं और अपनी फेवरेट ड्रिंक्स का मजा कहीं पर भी ले सकते हैं। नंबर 13 पर आता है हर्ब ग्रोइंग सेट्स। दोस्तों अगर आप भी अपने रूम या अपने घर पर प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं पर जगहों की कमी होने के कारण आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एक तरह का पॉट होता है जो अपने बेस के साथ में आता है। आपको बस इसके साथ में आने वाली सैंड को इसमें फिल करके हर्ब्स के सीड को इसमें फिल कर लेना है और ऊपर की तरफ से हल्का सा खाद और पानी डालकर रख देना है और कुछ ही दिनों में आपका ऑर्गेनिक प्लांट रेडी, जिसकी मदद से आपको हर्ब्स वगैरह बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी वीडियो के आखिरी गैजेट से, प्रो कीपर। दोस्तों अक्सर बचा हुआ फूड स्टोर करने में हमें काफी दिक्कतें आती हैं क्योंकि वो कई बार खराब भी हो जाता है। तो मिलिए इस अमेजिंग प्रो कीपर से। बस सिंपली इसमें फूड को रखिए और इसे लॉक कर दीजिए कुछ इस तरह से। इसमें आपका खाना काफी लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा क्योंकि ये प्रो कीपर पूरी तरह से एयरटाइट होते हैं और डिशवॉशर फ्री भी। तो गाइस इस कमाल के गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है। अच्छा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक और चैनल को करके सब्सक्राइब, बन जाइए हमारे फैमिली के मेंबर ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अच्छा तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलूंगा एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।